सो आई थिंक कल की ही बात है, जब मैं यूट्यूब पर कंटेंट रिसर्च कर रहा था कि नेक्स्ट वीडियो किस पर लानी है, तब मुझे एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम था घोस्ट आईडीज। तो जब ये वाला टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया, तब मैंने कई सारी वीडियोस देखी जैसे कि स्वयं भाई की, फेंटन भाई की और डाउन टेक गेमर और कई सारे यूट्यूबर्स, उन सब की मैंने जब वीडियोस देखी, उन्होंने कुछ कुछ आईडीज तो सिमिलर ली है, मतलब कि स्वयं भाई से उठाई है कुछ ने और कुछ ने फेंटन भाई से उठाई है, मतलब सारी सिमिलर आईडीज ही थी। लेकिन जब मैंने स्वयं भाई से सिमिलर और फेंटन भाई से सिमिलर वीडियोस देखी, तो मुझे एक अलग सी मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिली कि जो स्वयं भाई ने उनकी वीडियोस में बताया था वो थोड़ा डिफरेंट था, जो दूसरे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी वो उनकी वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी, मतलब कि आईडी तो सेम थी बट वीडियो डिफरेंट हो गई। अब वो कैसे, वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। नंबर वन, सो यूआईडी आपके स्क्रीन पर है। तो जब ये वाली मैंने यूआईडी सर्च करी तो मुझे पता चला कि ये वाली आईडी अभी भी एक्टिव है, यानी कि 13 ओवर्स पहले वो खेल कर गया है गेम को और अभी भी ये वाली आईडी एक्टिव है। बट जब मैंने इसकी आईडी इंस्पेक्ट करी तो फिर ये थोड़ी अजीब हो गई थी। तो जब आप इसकी आईडी देखोगे तो फिर आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, यानी कि कुछ है ही नहीं, मतलब क्या यार, कोई डरावना नहीं है, कोई भूतिया आईडी नहीं है भाई, उल्लू मत बनाओ, ठीक है यही बोलोगे ना सब, मैं भी यही समझ रहा था। बट जब आप इसके बंडल पर ध्यान दो तो फिर इसने हिप हॉप बंडल पहन रखा है, और अगर आप इसके बैजेस पर ध्यान दो तो भाई सीजन 2 का एलाइट पास कहाँ है, आप खुद देख लो भाई, सीजन 2 का एलाइट पास इसने ले ही नहीं रखा है। तो फिर इसके पास ये हिप हॉप बंडल कैसे आया, अब ये कोई हैकर वेकर तो नहीं है, वरना इसकी आईडी अभी तक तो एक्टिव रहती ही नहीं, और इसने कुछ गेम्स भी खेल रखे, पुराने बैजेस हैं। और आपने अभी तक जितनी भी घोस्ट आईडीज देखी होगी ना, उसके अंदर आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि इन्होंने अभी तक जो एक्टिव एलाइट पास है, यानी कि अभी का जो एलाइट पास है, जैसे कि अभी का, तो वो वाला एलाइट पास के उन्होंने एक भी बैजेस कंप्लीट करके नहीं रखे होते, और ये आईडी तो ऊपर से एक्टिव भी है और इसने एक भी बैच कंप्लीट नहीं किया है, मतलब ये कलेक्ट नहीं करना चाहता या फिर कुछ अलग बात है, और ये बैजेस ना कलेक्ट करने वाली बात भी इनको मिस्टीरियस बनाती। नंबर टू, सो यूआईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो ये वाली जो यूआईडी है ना, ये थोड़ी चैलेंजिंग और प्लस डरावनी भी है। सो जैसे आप इस यूआईडी को सर्च करोगे तो फिर आपको सबसे पहले एक मिस्टीरियस चीज़ देखने को मिलेगी कि ये 30 डेज से तो गेम नहीं खेल रहा है। ऊपर से आप इसकी एक और मिस्टीरियस चीज़ देखोगे कि यहाँ पर इसने लेवल 100 करके रखा है। भाई अभी तक मैंने लेवल 100 वाला कोई प्लेयर नहीं देखा भाई। और जब मैंने इसके आईडी ओपन करने की कोशिश की और इंस्पेक्ट करने की कोशिश की तो फिर ये आईडी ओपन भी नहीं हो रही थी, यानी कि आप कितनी भी कोशिश कर लो ये ओपन नहीं होगी। तो आप भी एक बार ये वाली आईडी सर्च करना और इस आईडी को ओपन करके देखना कि आईडी आपके अंदर ओपन हो रही है या फिर नहीं। तो ये इकलौती ऐसी आईडी तो नहीं है जो कि इतनी हॉरिफिक हो और आईडी ओपन ही ना हो, इससे भी सिमिलर कई सारी आईडी है जो कि स्वयं भाई ने भी बता दी अपनी वीडियो में, तो वो आईडी कौन सी है वो भी मैं बताऊंगा। सो ये आईडी का नंबर स्वयं भाई ने अपने वीडियो में बताया था कि ये आईडी का नंबर थोड़ा मिस्टीरियस है और उन्होंने सिर्फ दो आईडीज ही बताई थी, बट मैंने सर्च करके देखा और भी आगे की तरफ कि इसके अंदर कौन कौन सी आईडीज आ सकती है, और तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला। सो ये वाली आईडी स्वयं भाई ने अपने इस वीडियो के अंदर बता रखी थी के करके, बट उनके अंदर ये वाली आईडी ओपन हो रही थी। जैसे ही मैंने ये वाली यूआईडी सर्च करी तो ये वाली आईडी मेरे अंदर ओपन नहीं हो रही थी और ये 30 डेज पहले बंद हो चुकी है आईडी। और ये मेरे अंदर क्यों हो रहा था मुझे कुछ नहीं पता था कि के वाली आईडी मेरे अंदर क्यों नहीं ओपन हो रही है, स्वयं भाई के अंदर कैसे ओपन हो गई। और इनके अंदर आप देखोगे तो फिर ये आईडी 30 डेज पहले ही वो यूज़र छोड़कर चला गया है, मतलब इसने ओपन ही नहीं करी। बट जैसे आप इसके पीछे 3 की जगह 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, आईडी आती ही चली जाएगी। लेकिन जब मैंने इसी यूआईडी के पीछे 4 लिखा तो फिर आपको KK2 करके आईडी देखने को मिलेगी। भाई या फिर ये कोई फिल्म बना रहा है या तो कुछ और ही मान रहा है। और ये भी आईडी 30 डेज पहले ही बंद करके चला गया भाई वो यूज़र, इसने खोली नहीं अभी तक आईडी, और इसका नाम था KK2। और जब उसी नंबर के पीछे मैंने 4 की जगह 5 लगा कर देखा तो फिर मुझे VenGQ करके आईडी देखने को मिली। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली आईडी तो ओपन हो ही जाएगी, बट ये वाली आईडी भी ओपन नहीं हुई। और जब मैंने उसी यूआईडी के पीछे 6 लगा कर देखा तो मुझे एक और आईडी देखने को मिली जिसका नाम था Test001, और ये आईडी बंद पड़ी हुई थी, 30 दिन पहले यूज़र छोड़कर चला गया है और ये आईडी भी ओपन नहीं हो रही थी। अब ये लगातार नंबर आ रहा है और ऊपर सारी आईडी बंद पड़ी है, अभी कैसे हो सकता है, ना ओपन हो रही है और ऊपर से आईडी बंद भी पड़ी। फिर ऐसे ही मैंने 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, फिर 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि यार 8 नंबर्स, ठीक है। तो फिर मैंने 10 तो नहीं लिखा, 9 तक मैंने सर्च करी और सब आईडी ऐसी ही थी, मतलब एक भी आईडी ओपन नहीं हो रही थी और सब आईडी बंद पड़ी हुई थी। स्वयं भाई ने तो ये दो आईडीज ही बताई थी कि KK और KK2, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, थोड़ी और आगे सर्च करते हैं आईडी, लेकिन मेरे अंदर 100 वाली आईडी खुली नहीं भाई, आगे खुली नहीं वो आईडी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, अब आप ही बताओ ये कोई मिस्टीरियस आईडी है या फिर कोई हॉरर आईडी है, यानी कि घोस्ट आईडी बोल सकते हैं।
नंबर 3, सो यूआईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो अभी मैं आपको जो आईडी बताने जा रहा हूँ वो एक सिंपल सी आईडी है, मतलब कोई अच्छा सा बंदा है, ठीक है, आप ऐसा ही समझोगे, क्योंकि इस आईडी का नाम है हरिओम 2021। तो जब मैंने इस बंदे का नाम देखा तो मेरे को भी लगा कि भाई को सिंपल सा बंदा है हरिओम 2021, भाई को सिंपल सा बंदा होगा, खेलता है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जैसे ही मैंने इस आईडी को इंस्पेक्ट किया तो भाई आप भी खुद बोलोगे कि ये कोई नॉर्मल आईडी तो नहीं है। तो जब मैंने इस आईडी को इंस्पेक्ट किया सो बूम, इसके पास था सीजन 1 एंड सीजन 2 का इलाइट पास। और ये कोई चौंकने की बात नहीं भाई, सीजन 1 एंड सीजन 2 का इलाइट पास भी है बहुत बंदों के पास और उन्होंने खरीद रखा था, ठीक है, तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है इतनी। हाँ, मैं भी यही बोल रहा था, कोई चौंकने की बात नहीं, बट इसके ज़रा बैजेस तो देखो भाई, इसके बैजेस में सीज़न 1 एंड सीज़न 2 इलाइट पास इसने ले ही नहीं रखा है। सो अब जो आईडी तुमको बताने वाला हूँ वो थोड़ी मिस्टीरियस और डरावनी दोनों है, तो इसमें से तुमको चुन लो क्या चुनना है। लेकिन अब जो आईडी आने वाली है तो वो बहुत ही भयंकर होने वाली है। नंबर 4, सो यू आईडी आपकी स्क्रीन पर है, गुड बाय। ये मैं नहीं, ये आईडी बोल रही है, आप खुद देख लो इसने क्या लिख रखा है, गुड बाय। अब ऐसा कैसा नाम होता है मुझे नहीं पता, अब तुम भी सोच रहे होंगे भाई गुड बाय कौन नाम रख के जाता है, भाई मैं भी रख दूंगा, लेकिन ये आईडी इतनी सीरियस, मिस्टीरियस और डेंजरस, भाई मैं क्या बोलूँ इसको, शब्द ही नहीं निकल रहे। और ये बंदा शायद 14 डेज पहले खेल कर गया था तो फिर अभी इनएक्टिव हो गया है। तो ये बंदे की आईडी को एक बंदे ने बताया था जिसका नाम था शायद कुछ और, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट बता दूंगा। तो उस बंदे ने भी इस आईडी के बारे में बताया था। तो जब आप इसके आईडी पर देखते हो तो फिर आपको लगता है कि भाई पूरी बॉट आईडी है, ठीक है, लेकिन इसके बैजेस पर ध्यान देते हो भाई प्रो आईडी है। अब आप क्या बोल सकते हो, बॉट प्लस प्रो, यानी कि नूब, क्या बोले यार, इसको कोई शब्द ही नहीं है। अब देखो इसने तो पूरा एडम कैरेक्टर ले रखा, प्लस 6000 प्लस लाइक है इसके, और ये आईडी 14 डेज से इनएक्टिव है, प्लस इसने 70 लेवल की भी कर रखी है, बट इसका जो नाम है प्लस इसका जो बंडल है ये हमको मिस्टीरियस बता देता है, प्लस इसके बैजेस भी। लास्ट एंड फाइनल आईडी, फिफ्थ आईडी, यू आई डी आपकी स्क्रीन पर है, आई विल किल यू, मैं नहीं बोल रहा, ये वापस से यही आईडी बोल रही है। और ये आईडी, ये बंदा 30 डेज पहले बंद करके चला गया है, मतलब इनएक्टिव आईडी है, फिर भी इसकी लेवल 3। तो चलो हम इस बंदे को ऐसे मान लेते हैं कि इस बंदे ने गेम को स्टार्ट किया और कुछ दिन खेला भी नहीं और बंद कर दिया, सिर्फ पड़े रहने दिया, और तो भी इसकी लेवल 3 हो गई। अब आप बताओ कि लेवल 3 कैसे हो गई, मतलब कि 0 लाइक्स, 0 बैजेस, प्लस 0 मैचेस, एक भी मैच नहीं खेला, ना क्लेश स्क्वाड, ना रैंक, कुछ भी नहीं खेला इसने, कुछ भी नहीं, सीरियसली। और इसकी आईडी में 3 लेवल्स हैं, मतलब इसने लेवल 3 कैसे करी, वो भी विदाउट एनी मैचेस, भाई आप खुद ही बताओ, अब ये डरावनी है या नहीं, डरावनी तो क्या ही बोले, मतलब मिस्टीरियस सी आईडी है, मतलब 0 लाइक्स, सब 0 0 0, बट एक चीज़ है जो कि है वो लेवल 3। सो अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता तो फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर लाऊंगा, और अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो फिर इस टाइप का वीडियोस नहीं आएगा, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं 60,000 के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया हूँ, तो फटाफट से कर दो, और मैं जा रहा हूँ, बाय।